हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, क्लास टेंथ इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, जो कि 3 से 4 दिन में सारी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है एरर करेक्शन का, तो उसे जा करके आप जरूर से जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको एरर करेक्शन का सेकेंड एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ सके और सारे ट्रिक्स आपको समझ में आ सके कि किस तरह से वन बाई वन हम ट्रिक समझ रहे हैं। पिछले एक्सरसाइज मैंने आपको 3 ट्रिक सिखाया था और आज के एक्सरसाइज देखते हैं इसमें से जितना ट्रिक निकल सकता है मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एरर दिया रहेगा, आपको एरर फाइंड करना है और उसका आंसर ही बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है। ये पिछली वीडियो में बताया थे, इस बार भी चलिए पढ़ के देखते हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारे आइडिया मिल जाएगी किस तरह से सॉल्व करना है। पढ़ते एक बार। Thanks to the current interest for fitness and health that peoples are taking in each locality, we find these days some centers and clubs is springing up and they are do well in their new venture, but fortunately they are not within easy reach for all. They charge are too high, beside they are located in cities only. इसको पढ़ करके मुझे पहले सबसे पहले तो देखना था कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है, तो ये देख करके लग गया कि ये तो पास्ट टेंस में है नहीं और फ्यूचर टेंस में है नहीं, ये आपका प्रेजेंट टेंस में, कहीं भी पास्ट टेंस का यूज़ नहीं हुआ, ये आपका एक प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो अब हमको टेंस वर्ब का टेंस को भी ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ना है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं थैंक्स टू द करेंट इंटरेस्ट फॉर फिटनेस। अब देखिए यहाँ पर थैंक्स फॉर द करेंट इंटरेस्ट फॉर फिटनेस, ये जो फॉर है फॉर के जगह पे आपको इन लगाना चाहिए, ये आपका प्रीपोजिशन है। तो जब तक आप प्रीपोजिशन थोड़े बहुत आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है ट्विस्ट। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश पढ़िएगा, अगर आप इसको पढ़ करके देखिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि फॉर के जगह पे आप इन होना चाहिए। जैसे थैंक्स टू द करेंट इंटरेस्ट इन फिटनेस, इंटरेस्ट फॉर नहीं होता, इंटरेस्ट के साथ होता है इन, इंटरेस्ट इन फिटनेस, ठीक है। तो आपको किस जगह क्या लगता है थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी हो सकता है, तो इसीलिए प्रीपोजिशन को आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीपोजिशन बता भी दूँ। एंड हेल्थ दैट पीपल्स आर टेकिंग, अब देखिए पीपल्स आर टेकिंग, पिछली वीडियो में बताए थे आपको प्लूरल सिंगुलर का ध्यान रखना है, पीपल्स आर टेकिंग, पीपल आर के टेकिंग के जगह पर क्या होना चाहिए, पीपल इज, पीपल आर टेकिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीपल जो है वो खुद एक प्लूरल है, जो पीपल है पी ई ओ पी एल ई पीपल, जो वो खुद एक प्लूरल है, तो उसमें एल ई एस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पीपल सिर्फ पीपल लगाना है, पीपल आर टेकिंग, ठीक है, पीपल एक प्लूरल वर्ड है, इसको सिंगुलर नहीं है ये। अब आते आगे, इन ईच लोकेलिटी वी फाइंड दिस डेज, अब देखिए यहाँ पर दिस डेज लिखा हुआ है, डेज का मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अगर आपको दिस लगाना था या फिर दीज लगाना था तो यहाँ पर आपको दीज लगाना था, क्योंकि ये जो डेज है वो प्लूरल है। आगे पढ़ते हैं, सम सेंटर्स एंड क्लब्स इज स्प्रिंगिंग, अब देखिए सम सेंटर्स एंड क्लब्स, सेंटर्स भी प्लूरल है, क्लब्स भी प्लूरल है, दोनों को अगर मिला देंगे तो भी तो प्लूरल है, तो इस कंडीशन में आपको इज के जगह पर क्या लगाना था, आर लगाना था। तो देखिए कितना इजीली हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, हम लोग बस देख रहे हैं कि वो लैंग्वेज कौन सा टेंस में है और दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि वो क्या सिंगुलर है कि प्लूरल, उतना में ही बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अप एंड दे आर डू वेल इन देयर, अप एंड दे आर डू वेल इन देयर, अब देखिए क्या लिख रहे, यहाँ पर क्या लगेगा, डू के जगह पर क्या लगेगा, डूइंग लगेगा, अप एंड दे आर डू, देखिए आर के साथ डू तो लगने का कोई सवाल नहीं उठता है, जैसे इज एम आर, इसके साथ क्या लगता है हमारा, आई एन जी वर्ड लगता है, इज एम आर के साथ आई एन जी वर्ड। ये चौथी ट्रिक मैंने आपको दे दिया हूँ, अगर पिछली वीडियो में 3, ये चौथा ट्रिक है, ये क्या है कि अगर आपके साथ इज एम और आर ये 3 चीज़ रहेगा, ये 3 चीज़ के साथ आपको हमेशा आई एन जी वाला वर्ड यूज़ करना है, उसी तरह वर डब्ल्यू ई आर ई वर के साथ भी आपको आई एन जी वाला वर्ड को यूज़ करना है, वाज के साथ भी, यानी इज का पास्ट टेंस वाज, एम का तो एम रह गया और वर आर का पास्ट टेंस होता है वर, तो ये सारे चीज़ों में आपको आई एन जी वर्ड लगाना है। तो एक और ट्रिक मिल गया आपको, आई एन जी वर्ड कहाँ लगेगा, तो दे आर डू नहीं होना चाहिए, दे आर डूइंग होना चाहिए, इन देयर न्यू वेंचर बट फॉर्चुनेटली दे, बट फॉर्चुनेटली दे, अब देखिए वो लोग पहले से एक अच्छा काम कर रहे हैं, इन द न्यू वेंचर्स बट लगा हुआ, यानी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा,
अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हैं वहाँ बट लगाते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव, अगर निगेटिव है तो सेकेंड सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा बट लगाने के बाद। तो ये पहले आपका पॉजिटिव था, तो यहाँ फॉर्चुनेटली की जगह पे क्या होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपको मैंने पांचवा ट्रिक दे दिया, जहाँ पर आपको अगर बट रहेगा तो क्या करना है, इधर का पॉजिटिव है तो इधर का निगेटिव, अगर इधर का निगेटिव है तो इधर का पॉजिटिव, इस तरह से सेंटेंस को हमको फॉर्मेशन करना है। अब आगे देखते हैं, आर नॉट विद इन ईजी रीच फॉर ऑल, आर नॉट विद इन ईजी रीच फॉर ऑल, रीच के साथ फॉर नहीं लगता है, रीच के साथ टू लगना चाहिए। ये आपका फ्रेजल इसमें आता है, प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन पढ़िएगा तो कुछ वर्ड ऐसे है जिनमें फिक्स्ड है कि जहाँ पर आपको ये सेंटेंस के साथ ये वर्ड ही लगाना है, जैसे कि प्रीफर, आई प्रीफर टी और कॉफ़ी नहीं हो सकता है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, यानी कि कुछ कुछ वर्ड के साथ आपको फिक्स्ड है तो वो प्रीपोजिशन के साथ आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उसके बाद आते आगे, दे चार्जेस आर टू हाई, दे चार्जेस वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, दे चार्जेस वर्ड कैसे आएगा, दे मतलब कि वे लोग, चार्जेस वे लोग चार्ज करते हो सकता था, दे चार्ज हो सकता था, दे चार्जेस नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या जब आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो इससे क्या पता चलता है, दे आर चार्जेस सेंटेंस है, बिसाइड दे आर लोकेटेड इन सिटीज ओनली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अलग अलग चीज़ है, बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। क्या क्या मीनिंग होता है एक बार देख लेते हैं, बी साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी किसी के बगल में, अगर किसी के बगल में कोई बैठा हुआ है तो ही इज बिसाइड हिम, यानी कि बाय द साइड, ये बाय द साइड वाला इसके बगल में। और जब एस लगा देते हैं बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब हो जाता है उस, जबकि, उसके अलावा, उस टाइप का वर्ड्स होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड्स दे आर लोकेटेड इन द सिटी, जबकि वो तो सिटीज़ में लोकेटेड है, बिसाइड्स का मतलब वो चीज़ हो जाता है। तो दोनों का मीनिंग अलग है, बिसाइड बाय द साइड यानी बगल में, और बिसाइड्स का मीनिंग अलग है। तो यहाँ पर बिसाइड तो बगल में तो होना नहीं चाहिए, तो बिसाइड्स होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए, अगर पिछला वीडियो और आज का वीडियो देखेंगे तो मुश्किल से हमको लग रहा है आपको 6 से 7 ट्रिक तो ऐसा बता दिया हूँ कि जो कि बहुत ईजी है, आप देख करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको डेली अपडेटेड PDFs मिलेंगे, अलग अलग नोट्स मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे इसके लिए मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।